Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth, Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है जो आपको डेफिनेटली मिलेगा. सो कुछ इस तरह से होते हैं कि हम जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेट, वो तो हमें मिलता ही है. बट इन दिस लाइफ टाइम हमारे जो एक्शंस होते हैं उससे भी वाइब्रेशंस एंड कर्मा क्रिएट होते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आपको क्या हासिल होगा, व्हाट अचीवमेंट्स विल यू मेक. ठीक है, क्या क्या आप अपनी जिंदगी में प्रतिष्ठा आपको मिलेगा. ठीक है, आपकी लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप में किस तरह का डेस्टिनी है. सो लेट्स सी. सो यहाँ पे दो ग्रुप है. सो ग्रुप ए, ग्रुप बी, आप पिक्चर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर ग्रुप ए, दिस इज़ फॉर ग्रुप बी. ओके, एंड जो चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, इधर आप सिलेक्ट कर सकते हैं बाय द कार्ड और डेफिनेटली शफल करेंगे हम. ओके, सो फॉर ग्रुप ए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 8th, 9th, 11th, 13th, 14th, 15th, 19th, 20, 21st, 22nd, 24th, 25th, 27th, 30th and 31st. ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए होगा. फॉर ग्रुप बी 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 21st, 23rd, 26th, 28th and 29th, तो ये रीडिंग आपका होगा. सो दिस इज ग्रुप ए, दिस इज ग्रुप बी. टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है. ओके, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, बट दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन. ओके गाइस, चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. सो फॉर ग्रुप ए, हाय, हेलो ग्रुप ए. सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 8th, 9th, 11th, 13th, 14th, 15th, 19th, 20, 21st, 25th, 27th, 30th and 31st, और अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपका होगा. सो देख लेते हैं कि किस तरह से आपकी डेस्टिनी जो है वो क्या कहता है एंड आपको अवश्य क्या मिलने वाला है. सो यूनिवर्स विल गाइड्स एंड एंजल्स विल गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑफकोर्स उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है. फॉर ग्रुप ए, जिन्हें भी वो कार्ड सिलेक्ट किया है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 8th, 9th, 11th, 13th, 14th, 15th, 19th, 20, 21st, 22nd, 24th, 25th, 27th, 30th and 31st. ओके, सो वी डू हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, वी डू हैव द नाइट ऑफ कप्स. वी डू हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स. We do have the nine of swords. Three of swords. Two of wands. Okay, wow. Ten of cups. The hierophant. Bottom of the deck, हमारे पास है king of swords. ओके, यहाँ से हम बाद में देखेंगे. ओके, सो आई डू फाइंड कि एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं आप. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आप. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि. यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस. यहाँ पे है टॉरस. ओके, एंड वेल एज लिब्रा. ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्रोकास्टिनेशन, आपको ऐसा हमेशा ही अच्छा, इम्पोर्टेंट नंबर्स है 4, 3, 2, 10, 5, 9, 3, 3 इज इम्पोर्टेंट. ओके, आपको हमेशा ये शिकायत हमेशा रहता होगा अपनी जिंदगी में कि सब कुछ जैसे ना होते 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 वो लेट हो जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है. टाइम पे कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाता है. आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कुछ चीज़ कंप्लीट हो जाए ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए. यू आर वेरी स्वीट पर्सन, योर आइज़ आर वेरी मच, यू कैन से दैट स्पार्कलिंग आइज़ यू हैव, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड यू आर वेरी मच ग्लैमरस ऑल्सो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. एंड यू आर ऑल्सो द लाइट, कहने कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आप ऐसा इंसान हैं कि हमेशा ही टाइम पे सब चीज़ कंप्लीट करने में विश्वास रखते हैं और ये भी चाहते हैं कि सामने वाला जो भी आप इनसे डील कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स
है आपका इनके साथ, वो भी जल्द से जल्द फिनिश कर दें। ठीक है, इवन अगर आप एक स्टूडेंट रह भी है तो भी शायद इस तरह से रहे हैं कि ठीक है पूरी साल पढ़ाई हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम अपना एग्ज़ाम्स देंगे और ज़रूर वो लेसन्स को कंप्लीट करके फिर हम एग्ज़ाम में जाएंगे। आप हमेशा ही पूर्णता में, कंप्लीटनेस में विश्वास रखते हैं, पर ज़िंदगी में बहुत सारे मौके इस तरह से हुए हैं आपके जीवन में जहाँ पे आपको इनकम्प्लीटनेस हासिल हुआ। ठीक है, जहाँ पे कुछ रिलेशनशिप पूरी तरह से होते होते भी बिगड़ गया, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलना चाहिए था, यू शुड हैव रिसीव्ड, बट उससे पहले किसी ने वो चीज़ ले लिया आपसे, छीन लिया आपसे, और धीरे धीरे आप स्ट्रांग होते गए। नाउ आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, जो मुझे दिख रहा है एक स्ट्रांग रिलेशनशिप, एक अफेक्शनेट रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो डीपली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही आधारित होगा। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बिल्कुल दूसरों से शिकायत ना करना, जैसे कुछ कपल्स होते हैं मैंने देखा है एक दूसरे में प्रॉब्लम होगा तो दूसरे से शिकायत करेंगे, देखो हमारे बीच में ये प्रॉब्लम्स है। अरे आप लोग खुद ही शादीशुदा है, राइट, खुद ही शादी किए हैं, या अगर नहीं भी किए हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर की मसले जो है वो बाहर लेके जाते हैं, बट आई डोंट फाइंड दिस सिचुएशन। इवन अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए सो भी आप एक दूसरे के सामने रह के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो भी बॉन्ड्स या रिलेशनशिप में आप फंसे थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा था वो आपको, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे देखो भले यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है बट एक्चुअली लकड़ी है जो आपकी दिल को पूरी तरह से छेद कर दिया। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है देर वॉज अ होल इन योर हार्ट एंड हार्ट इज द पैसेज टू द सोल, सो आपकी आत्मा को काफ़ी चोट पहुँचा, यार जितना जिनके लिए मैंने इतना किया वही मुझे उल्टा अभी दिखा रहा है, उसका जो तौर तरीके है वो काफ़ी बदल गया है पहले से, ऐसे कैसे हुआ। सो यू वेटेड फॉर रिलेशनशिप, बहुत सारे रिलेशनशिप्स के लिए आप वेट किए, ठीक है, आपने उनको जाना परखा फिर भी आपसे भूल हो गई। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आपको एक स्टेडी हेल्दी रिलेशनशिप अवश्य मिलेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जेंटल होंगे, काफ़ी ज़्यादा सोबर, काफ़ी ज़्यादा विद अ स्माइलिंग फेस आई डू फाइंड लाइक दैट, एंड ये इंसान हमेशा ही, ये भी इस तरह से मुझे दिख रहा है कि जब तक चीज़ें कंप्लीट ना हो तब तक ये भी अपने काम को नहीं छोड़ते हैं। सो आप देख रहे हो कितना डेडिकेटेड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। आई डिफाइन उनके साथ आपका हो सकता है कोर्ट मैरिज हो या जो भी मैरिज होगा, लेकिन एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, मतलब हो सकता है चर्च में हो या आपके मंदिर में हो, मस्जिद में हो, ठीक है, गुरुद्वारा में हो, मतलब शादी बिल्कुल रीति रिवाज के साथ होगा, रिचुअल्स फॉलो होंगे। काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन एंशेंट कनेक्शन है, बहुत पुराना कनेक्शन है जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इट्स लाइक एन इनफाइनाइट कनेक्शन, मतलब हर जन्म में आप दोनों ने ना एक दूसरे के साथ आपका मुलाकात तो ज़रूर हुआ है। नाउ एज फार एज योर करियर इज कंसर्न एंड प्रोफेशन इज कंसर्न, काफ़ी आप उत्सुक रहते हैं, टेंशन ले लेते हैं हर एक चीज़ में, वो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे वो बीच में तो नहीं रुक जाएगा ना, तो मेरे आपकी नींद जैसे गायब हो जाता है रात के समय पे। आई डू फाइंड लाइक दैट आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टीम दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू। कुछ लोग इन फ्यूचर सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, कुछ लोग फ्रेंचाइजी लेंगे, कुछ लोग ओनरशिप राइट्स उनको मिलेगा, कुछ लोगों के लिए मुझे, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ स्टार्टअप करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि फाइनेंसिस में आपकी पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है, बिकॉज आई एम डूइंग इट इन द राइट टाइम, नाइट टाइम, बहुत ज़्यादा डॉग्स हैं यहाँ पे, ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। कुछ इस तरह से भी मुझे दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन से जैसे बहुत कुछ हीलिंग होता जा रहा है, हार्ट ब्रेक जो सिचुएशंस है उसे आप हील्ड हो रहे हो बेसिकली, जस्ट सेम गाइस। हार्ट ब्रेक जो सिचुएशन है उससे आप निकल रहे हो
एंड डेफिनेटली आपके अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है आप उसको गायब कर रहे हो। नहीं, मैं सोचती थी मैं कम हूँ, मैं सबसे कमज़ोर इंसान हूँ, बट ऐसा नहीं है। यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स। मुझे दिख रहा है आप ऐसे इंसान में ऑफकोर्स आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो बिल्कुल लॉजिकल है, जो नीति जो है, एथिक्स जो है, जिसके पास मोरालिटी है, भले वो इमोशनली एब्सेंट रहते हैं लेकिन वो इसलिए इमोशंस से दूर है बिकॉज आई डू फाइंड लाइक दैट कि वो अपने इमोशंस लोगों के सामने खुल के नहीं रख पाते हैं। एक्सप्रेशन कम है आपका, मतलब बहुत टाइम से मैं यहाँ पे कार्ड्स को जब रीड कर रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है दैट यू आर सच अ पर्सन। भले आपके हार्ट बहुत ही ज़्यादा पिघला हुआ आइसक्रीम की तरह है, बट यू आर स्ट्रॉन्ग लाइक अ स्टील फ्रॉम आउटसाइड। आप बहुत ही पंक्चुअल है, इन फ्यूचर भी आपको पंक्चुअलिटी के वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स अप्रिसिएशन मिलेगा कि आप उस काम को सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और दूसरा है कि आपकी ओवरसीज कुछ कनेक्शंस के वजह से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, जहाँ पे सपोज आपने कुछ बनाया होगा यहाँ पे अपने कंट्री में, देश में आपने कुछ बनाया होगा, या आपके पास सपोज, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज एप्पल्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, कुछ वेजिटेबल्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ द सिटी, स्टेट या कंट्री हो सकता है, और आपको वहाँ से काफ़ी ऑफर्स भी मिल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे और भेजिए, फिर आपको वो असाइनमेंट के लिए पैसा भी मिल रहा है। सो यू विल बी डेटिंग मेनी पीपल ऑल्सो। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के साथ डेटिंग आपका होगा, लेकिन एक ही रिश्ता ऐसा होगा जो फिक्स ज़रूर होगा। मे बी ऑन वीकेंड्स हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता आए और आप वहाँ उनको मिलने के लिए जाए, हो सकता है बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, बट फाइनली देर इज़ अ कंस्ट्रक्शन इन योर रिलेशनशिप। यहाँ से हम देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज इन योर डेस्टिनी। What is in your destiny? आपके भाग्य में क्या है? Let me see. So we do have the diamond dreamer. आपकी सपने बहुत बड़े हैं, right? Material wealth, true prosperity. Of course, ये चीज़ आप शुक्र जो माना जाता है, luxury, bed, comfort. ठीक है, एक अच्छा सा घर, एक spacious house. ठीक है, bank balance, jewelries, entertainment industries. ये सारे शुक्र है। अगर आप शुक्र आपके बहुत उच्च पोजीशन पे है, सो ऑफ कोर्स आपको तो मिलेगा ही, बट बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ही मिलने वाला है देन दैट यू हैड एक्सपेक्टेड, बट खर्चा भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, आने वाले समय में आप आभार रहेंगे। आभार कब रहते हैं लोग? जब उनको मिल जाता है तभी आप आभार रहते हैं, बट मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, आपके पास जो भी है यू शुड ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड कि मेरे पास जो है, कुछ लोग तो मेरे से अनफॉर्चुनेट ज़रूर है तो मैं तो उनसे फॉर्चुनेट हूँ। यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स। ओके, द वेल वॉचर, विजडम पावर ऑफ द डिवाइन। आप धीरे धीरे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे डिवाइन कॉन्शियसनेस, जितना आप स्पिरिचुअलिटी में, जितना आप आध्यात्मिक चीज़ों में विश्वास करना स्टार्ट करेंगे, आप भी ये देखेंगे कि ऊर्जा इतना अच्छा है कि आप कभी भी रॉन्ग डिसीजन अपने लाइफ में बिल्कुल नहीं लेंगे, और उसके वजह से ही तो आप कुछ कामयाबी हासिल करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर ग्रुप ए। नाउ हम बढ़ते हैं फॉर ग्रुप बी। अगर आपने ग्रुप बी को भी सिलेक्ट किया हुआ था, सो प्लीज़ ज़रूर रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, सो लेट्स पैक अप फॉर ग्रुप ए एंड नाउ वी विल प्रोसीड फॉर ग्रुप बी। हाय, हेलो ग्रुप बी। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28 एंड 29, और अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए होगा।
सो आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है वो ऑफ कोर्स हम देखेंगे। सो यूनिवर्स विल गाइड द एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4th, 5th, 6th, 7th, 10th, 12th, 16th, 17th, 18th, 21st, 23rd, 26th, 28th and 29th, जिन्होंने भी ये कार्ड को सिलेक्ट किया हुआ है उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, सो वी डू हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव द थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, वी डू हैव द एट ऑफ कप्स। ओके, we do have the nine of pentacles, seven of wands, five of swords, the emperor, the high, pata nahi kyun maine high priestess bolna chaha, this is a chariot, okay, so major arcana mein emperor and chariot aa chuka hai, आपको तो आपका तो लक निकल पड़ा दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे भी आपने जो भी कार्ड सेलेक्ट किया है दैट इज़ द ब्यूटी, दैट इज 17 नंबर द स्टार कार्ड। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इम्पॉर्टेंट साइंस है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि यहाँ पे है एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ तुला राशि कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि। थ्री इज इम्पॉर्टेंट, 3, 9, 5, 4, 7 4, 4 इज इम्पॉर्टेंट एंड 7, 4, 7 इज इम्पॉर्टेंट। तो चलो इम्पॉर्टेंट मंथ है अप्रैल जुलाई अक्टूबर एंड सेप्टेम्बर इज इम्पॉर्टेंट। बेसिकली कुछ लोग इस तरह से मुझे दिख रहे हैं कि ऐसे कोई फील्ड में आप ज़रूर अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करने वाले हैं, मे बी रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स आपका एक इंटरेस्ट है, या एस्ट्रोनॉट बनना, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर बनना, साइंस स्पेस रिसर्च, ठीक है, इस तरह के फील्ड में जाना, लिटरेचर फिलोसॉफी आर्ट्स इस तरह के फील्ड में, आप हमेशा ही लीडरशिप मैनेजमेंट इस तरह के कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ। जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी वाला पोजीशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको पता है एम्परर की एनर्जी क्या है। एम्परर इज लाइक जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, जो अपने साम्राज्य के ऊपर पूरी तरह से हुकूमत करते हैं और लोगों की भी भलाई करते हैं। एंड एम्परर इज ऑल्सो लाइक द गवर्नमेंट सेक्टर्स की, जहाँ पे आप सिटीजन्स के लिए कुछ करते हैं, नागरिक के लिए कुछ करते हैं। और मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आपकी वेल्थ फाइनेंस वेल मेंटेन्ड होगा, बट आपको टाइम पर काम कर लेना चाहिए हमेशा। 12 बजे के बाद आपको कहीं बाहर अंधेरे में नहीं निकलने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विदाउट द यू कैन से दैट बिकॉज आई डू फाइंड, जो मुझे लगा इसलिए मैंने आपको बताया, कुछ रिलेशनशिप्स को छोड़ना आपको पड़ेगा बिकॉज एंड हो जाएगा उसका, और उसके बाद ही आप अपने जीवन में स्टेबल होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे को डिपेंडेंसी फैक्टर्स के वजह से बहुत लॉसेस मिले हैं, मैंने लोगों के ऊपर डिपेंड किया रिलेशनशिप में, और उस संबंध में शायद आप इनविजिबल हो गए हैं। अभी भी हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप में उस संबंध में दिखे ही ना, कोई आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है, ठीक है, और आप उसको टॉलरेट कर रहे हो, ठीक है ये मेरे पार्टनर है तो मैंने टॉलरेट किया, लेकिन हो चुका वो चीज़ बहुत इंतज़ार करने के बाद। आपने जब देखा, आप इन फ्यूचर भी देखोगे जब रिजल्ट नहीं निकल रहा है, सो यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ मोर, आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा अटेंशन देंगे और उसका जो रिजल्ट है वो तो मिल ही रहा है। विद द चैरियट अ ग्रेट प्रोग्रेस इन योर लाइफ, विद द टेम्परेंस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन अ बैलेंस्ड मोड, ठीक है। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि यू कैन बिकम अ हेयर स्टाइल एक्सपर्ट, आई डू फाइंड कि ज्वेलरी कॉस्ट्यूम हो सकता है, कि कॉस्मेटिक इस तरह के भी फील्ड आपके लिए अच्छे हो। कुछ लोगों के लिए इतना डिटरमाइंड हो आप कि कम समय आप नींद लेंगे बट आप अपना काम को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपके पर्सन, अगर आपके सोलमेट हम विचार करें तो वो भी काफ़ी रिच फैमिली से आते हैं एंड वो भी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैकेनिकल इंजीनियर या हो सकता है आर्मी मिलिट्री डिफेंस सेक्टर्स में हो जहाँ पे वो लीड कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। और ऑटोमेटिकली आई कैन फाइंड यू ट्रैवल इन डिफरेंट डिरेक्शंस आपकी मेहनत के वजह से। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स है, एट ऑफ पेंटिकल्स विद द टेन ऑफ कप्स, यू आर राइटिंग समथिंग, यहाँ पे भी यू आर राइटिंग समथिंग और मेंटेनिंग अ डायरी, जर्नलिंग, ठीक है। सो हो सकता है कि आप कोई जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग हो सकता है। सपोज आप कोई स्टोर के ओनर है, सब वहाँ पे रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, व्हाट आर द स्टोर थिंग्स ओके दैट नीड्स टू बी डन, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है उसको वर्जित करना है, कुछ क्या न्यू डिमांड्स है मार्केट में, क्या आ रहा है रैक में पहले रख देना। पता नहीं मैंने क्यों कहा स्टोर, आई फाउंड लाइक मेरा इंट्यूशन ऐसा कहा कि इट कैन बी अ स्टोर, लाइक हो सकता है स्मॉल बिजनेस से लेके मिडिल, बट लार्ज बिजनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक यू आर जस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो बोल रहे हो कि मेरा आपको हुकूमत जो है वो मानना पड़ेगा, मैं जो बोलने वाला हूँ वो करना पड़ेगा, मैं जो रेक्टिफिकेशन लेके आने वाला हूँ वो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के ग्रोथ के लिए प्रॉफिट के लिए आपको शायद रिक्रूट किया जाएगा, आपको हायर किया जाएगा उस पोजीशन के लिए एंड डेफिनेटली यू विल बी द ओनर। सब लोग आपके ऊपर अटेंशन देंगे धीरे धीरे आपकी, बट इट विल बी इन अ वेरी स्लो बट स्टेडी मोड। ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है शायद आपको ज्वेलरी के ऊपर, मे बी यू आर अ ज्वेलरी डिजाइनर इन द फ्यूचर, हो सकता है आप बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना आपका रहे एंड यू विल जस्ट डू देयर मेकअप ओके सेलेक्ट देयर ज्वेलरी फैशन, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करेंगे, हो सकता है ये गाना भी गाए आप एंड है आपके अंदर वो काबिलियत, आप बहुत कुछ बना भी सकते हैं, हाथ का काम, हाथ का कारीगरी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विद द हाई प्रीस्टेस विद द चैरियट कार्ड आई डू फाइंड लाइक यू आर जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन विद द टेम्परेंस। सो ट्विन फ्लेम्स जो भी कनेक्शंस में होते हैं उनका अपना इनर वर्क, हीलिंग, मेडिटेशन, इस तरह का काम आप करेंगे। बहुत समय से जो इंतज़ार आप कर रहे थे उसका एक फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पावरफुल पर्सन है जो जिस तरह से अगर आप किसी अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हो ना तो कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है आपके पीछे पड़ जाए। सो आप देख लेना आपके पास इनफ सिक्योरिटी हो ताकि आप लड़ पाओ, ठीक है। अकेले जंग में लड़ने मत जाना जब आपके सपोर्टर्स ही नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ आप नहीं कर सकते, यू मे बी डेयरिंग बट जस्ट टेक केयर, ठीक है। आपकी हेल्थ भी मुझे दिख रहा है इम्प्रूव होता हुआ, बट ऐसा नहीं है कि कैमरा के लिए आप सज धज रहे हैं, बट अपने लिए भी आप कुछ करें। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो आपको मिल के रहेगा। सो व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। आप लोगों की बात को अहमियत ज़्यादा देते हैं, अपने बात को अहमियत कम देते हैं। द फायर प्रिंस, वाओ, दिस इज द फायर, यहाँ पे फायर, बहुत पैशनेट कैरिज्मेटिक पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। ओके, द ऑल्टर प्रिस्टेस, ऑल्टर मतलब बेदी, प्रिपरेशन, प्रेयर एंड सेक्रेटरी, इसलिए मैंने आपको बताया था मुझे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही थी। सम ऑफ यू कैन बी हीलर्स, यू कैन से दैट टैरो रीडर्स, कैन बी गाइड्स, कैन बी मेंटर्स, कैन बी कोच, ये आपकी बेदी है, एक प्लेटफॉर्म है आपको जो मिल रहा है आने वाले समय में एंड यू विल बी एट योर लेवल बेस्ट। वाओ, द आईज ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे देखो ब्यूटी, ब्यूटी, द पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस एंड क्लैरिटी इज कमिंग टूअर्ड्स यू। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, वाई नॉट, आप देख ही रहे हैं आपकी सुंदरता जो है वो लोगों को आकर्षित कर रहा है, नॉट ओनली द आउटर अपीयरेंस बट इनसाइड ऑल्सो, ठीक है। आपके अंदर से जो ग्लो आ रहा है ना वो लोगों को आकर्षित करेगा। सो यू विल बी ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, वाओ। सो द फायर विद इन यू विल गिव यू अ लॉट ऑफ पावर,
ठीक है, आपके अंदर जो जोश है वही आपको एक स्थान पे पहुंचाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू एंजॉयड इट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।